वेलकम टू शिक्षा विचार। आज मैं शमशेर बहादुर सिंह की कविता हार हार समझा मैं पर बात करूंगा। छोटी सी कविता है किंतु इसका जो मूल भाव है वह अत्यंत ही गहरा है। कविता कुछ इस प्रकार है। हार हार समझा मैं तुमको अपने पार, हंसी बन खिली सांझ बुझने को ही, एक हाय हाय की रात बीती ना थी कि दिन हुआ। हार हार समझा मैं तुमको अपने पार, यह छोटी सी कविता है जिसमें शमशेर जी जो गरीब वर्ग है, अर्थात जो समाज का सबसे निचला तबका है, जो मजदूर वर्ग है, जो मेहनत कश जीवन जीता है और श्रम के माध्यम से अपने जीवन का निर्वाह करता है, अपने बच्चों का पेट पालता है शारीरिक श्रम करके, तो उसके जीवन को यहाँ शमशेर जी देखते हैं और देखने के बाद वे कैसा महसूस करते हैं उसकी अभिव्यक्ति इस कविता में हुई है। वे उनके जीवन को देखते हैं, कहते हैं कि हार हार समझा मैं तुमको अपने पार, अर्थात तुम्हारे जीवन को देख के मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो जीवन है वह पराजय का जीता जागता इतिहास है। अर्थात उसके जीवन के हर एक पल में सिर्फ और सिर्फ हार है और पराजय है। वे आगे कहते हैं, हंसी बन खिली सांझ, एक खुशी भरी हुई सांझ जैसे ही बुझती है, एक हाय हाय की रात। हाय हाय से तात्पर्य है उनकी जो रात है वह दुख दर्द तकलीफ और पीड़ा में व्यतीत हो जाती है। फिर एक सुबह होती है, जो सुबह हुई है यही दुख दर्द तकलीफ और पीड़ा लिए हुए वे फिर से जीवन जीते हैं। अर्थात ये जो प्रक्रिया है दुख और तकलीफों की, संघर्ष की, वे निरंतर चलती रहती है। उसमें कहीं कोई उत्साह नहीं है, कहीं कोई उमंग नहीं है, कहीं कोई आशा नज़र नहीं आती है उन्हें। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि समझा मैं शब्द में, अर्थात यहाँ पर कवि अपने दृष्टिकोण से उनके जीवन को देख रहा है। यहाँ पाठक जो है वह अपने नज़रिए से भी उस चीज़ को देख सकता है। यहाँ पर कवि अपने दृष्टिकोण को पाठक के ऊपर थोपना नहीं चाहता है, बल्कि वह पाठक को काम में लगाना चाहता है, उससे मस्तिष्क कसरत करवाना चाहता है कि मैंने तो उनके जीवन को देख लिया और उनको उसके जीवन को देखने के बाद ये महसूस किया कि उनका जीवन एक हार है, एक पराजय है, जिसमें संघर्ष तो है लेकिन संघर्ष के बाद की जो आशा होती है कि जब हम संघर्ष करते हैं तो हमें एक उम्मीद होती है कि हाँ हमारा कल का दिन इससे बेहतर होगा, किंतु उनका आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, सभी जितने भी दिन हैं सभी एक ढर्रे में बंधे हुए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ दुख है, दर्द है और तकलीफ है। और यहाँ पे जो संघर्ष है वो सभी के लिए दुख और दर्द नहीं होता। अगर संघर्ष के समय दुख दर्द तकलीफ होती भी है किंतु फिर भी उसमें एक भविष्य की आशा होती है। इसीलिए यहाँ कवि कहता है कि समझा मैं अपने पार, अर्थात मेरे दृष्टिकोण से तो ऐसा है, आप अपना देख लीजिए। लेकिन कवि ने जब उनके जीवन को देखा है तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, सिर्फ जीवन को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर कवि ने उनके जीवन को सिर्फ देखा नहीं है बल्कि गहराई में उतरकर समझा है और उसके बाद ही वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि उनका जीवन संघर्षमय है लेकिन उसमें दुख और दर्द और तकलीफ और पीड़ा है, उसमें कहीं कोई आशा नहीं है, कहीं कुछ नयापन नहीं है। यहाँ पर हमें शोषित वर्ग को देखने की एक नई दृष्टि मिलती है कि क्योंकि हर व्यक्तिगत दृष्टि से हम चीज़ों को अपने अनुसार ही देखते हैं, जैसा हम देखना चाहते हैं। इसीलिए यह काम कवि ने पाठक पर छोड़ दिया है कि अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अर्थात मेरे अनुसार तो उनका जीवन सिर्फ और सिर्फ पीड़ा से भरा हुआ है जिसमें कहीं कोई आशा नहीं है। धन्यवाद।